इंडो और चाइना के जो रिलेशनशिप हैं वो सिर्फ इन दोनों कंट्रीज़ के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि एशिया और बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और जयशंकर जी का ये व्यू बहुत अच्छा है और इस रास्ते पर चलते हुए और सब पड़ोसी देश एक पीस और प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस के डायरेक्शन में चलते हुए और जो भी डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं उनको कंट्रोल करते हुए और वर्ल्ड की हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की तरफ चले। और जैसे आज के टाइम में और बहुत ही डिस्ट्रक्टिव और डेंजरस वेपन्स सबके हाथ में आ चुके हैं, तो कोई भी कन्फ्रंटेशन का रास्ता किसी के भी हित में लॉन्ग रन में नहीं है, सबको ही उससे नुकसान है। और एक जो लिमिटेड टाइप की लाइफ इंसान को मिली है उसमें कन्फ्रंटेशंस आज के ज़माने में दोनों साइड्स को ही और काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। और जैसे पहले दो वर्ल्ड वार हो चुकी हैं, इतना डिस्ट्रक्शन हुआ, और आज के ज़माने में जिस टाइप के ज़्यादा और ज़्यादा ख़तरनाक वेपन्स बन चुके हैं, तो ये जो इस टाइप की सिचुएशंस हैं वो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए और अच्छी नहीं है। तो हमें अच्छे अपने कॉमन इंटरेस्ट को देखते हुए और बैठ के बात करनी चाहिए और स्मॉल मैटर्स को हमें डिफरेंसेस को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो ये बड़ा ही अच्छा स्टेप है एंड जयशंकर जी ने बड़ा अच्छा एक्सप्रेस किया है। वी शुड ऑल वेलकम इट।